राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम ये बढ़िया सी सब्जी बनाएंगे आलू और गुवार की फली के साथ में। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, गुवार की फली ली हैं। गुवार फली और आलू की सब्जी बनाएंगे बढ़िया सी। आलू को साइड कर देंगे, आलू को बाद में काटेंगे, पानी में भिगो के रखना आलू को छील के ताकि काला ना हो। और गुआर फली को मैंने अच्छे से दोनों तरफ से कट लगा के और इसको अच्छे से धो लिया है। अभी इसको काटेंगे। 4-5 फली आप हाथ में लेके इनको ऐसे लंबा लंबा काट लें। ऐसे ही काटेंगे हम सभी फली को। तो ये फली काट के मैंने तैयार कर ली हैं, अभी इनको साइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिए हैं, देसी वाले टमाटर लिए हैं, लहसुन है और 4 हरी मिर्ची हैं। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर का ऊपर का हिस्सा निकाल दें और इसको डाल लेंगे। ये देसी टमाटर हैं तो ये खट्टे होते हैं, पानी भी अच्छा होता है इनमें। सभी टमाटर काट के डाल लेंगे हम और साथ में इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। अभी इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो टमाटर की प्यूरी बना के तैयार कर ली है। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहें तो पहले प्याज लहसुन और हरी मिर्ची को ग्राइंड कर लें, बाद में टमाटर कर लें। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने देसी घी डाल रखा है। इस घी में मैंने देसी घी में पूरी बनाई थी, अभी इसी में बचा हुआ घी है, इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे। घी गरम हो चुका है, अभी इसमें 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। हल्का सा जीरे को चटकने देते हैं। जीरा हल्का भून चुका है, अभी हमने जो ये पेस्ट बनाया था ये डालेंगे टमाटर का। आप इसको सरसों के तेल में या रिफाइंड में भी बना सकते हो। मैंने इसको घी में बनाया, घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी साथ में इसमें मसाले डालेंगे। धनिया 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार नमक डालें और अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। नॉर्मल से मसाले हैं, हर किसी के किचन में आसानी से मिल जाते हैं और ये सब्जी टेस्टी बनती है। आलू के साथ में गवार की फली बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट भुनने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो घी कितना अच्छे से ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे से भुन चुका है और कलर भी देख सकते हो आप कितना अच्छा आया है। बिल्कुल कम रखें गैस को। अभी मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स करेंगे। ठीक होती है ग्रेवी तभी ये उछलने लगती है, तो आप आराम से धीरे धीरे चलाते हुए। और अभी अभी हम ये सब्जी डालेंगे। मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, गुवार फली और आलू दोनों साथ में डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारे लाइक कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगती है सब्जी। घंटे का बटन दबाएं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसाले में।
पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है, जो ग्रेवी बनाई थी टमाटर की उसी में पकाऊंगी मैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, पानी डालने से बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। गैस को मीडियम रखें, बिल्कुल धीमा रखें और बीच बीच में चलाएं इसको। अभी मैं ढक्कन लगा के पकाऊंगी इसको, ढक्कन लगा के इसको 4-5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, फिर बीच में एक बार चलाएंगे। चलाते हुए इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगी पकने में। सब्जी को एक बार बीच में देख लेते हैं, सब्जी को बीच में चलाना ज़रूरी है। अगर आपके पास भारी तवे की कढ़ाई है तो सब्जी चिपकेगी नहीं, सूखी सब्जी आराम से बनती है। बीच में चला के इसको ऐसे ही फिर से ढक्कन लगा देंगे और पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, सब्जी मेरी बन चुकी है। अभी इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस को। देख सकते हो आप, आलू आराम से टूट रहा है, सब्जी अच्छे से पक चुकी है और ये फली भी अच्छे से गल चुकी है। गैस को बंद कर दिया है। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर गर्मा गर्म इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। सब्जी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, ऊपर से हल्का सा धनिया और डाल लें तो गर्मा गर्म सब्जी हमारी खाने के लिए तैयार है। आप चपाती के साथ इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें।